अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बहुत देर है, क्या जरूरत थी ये सब करने की? जब चाची ने तुम्हें सब्जी काटने बोला तुम मुझे कह देती, मैं काट देता। नहीं भैया, वैसे ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी मामा को आ जाना चाहिए। अगर मामा आ जाएगी चाची हमसे ऐसे काम नहीं कराएगी। मामा नहीं तो क्या हुआ जो? मैं हूँ ना, और पापा भी हैं। हाँ श्यामल, हाँ हमारे डिजाइनर ने हमारे साथ काम करने से इनकार कर दिया। नहीं, उनकी कोई प्रॉब्लम थी। हाँ श्याम बाबू, हमें एक नया डिजाइनर ढूंढना होगा, बिल्कुल जल्द से जल्द। जी पापा। बड़ी प्यारी लग रही है मेरी बेटिया। बेटा आयुष आजा। लगता है आज चंचल चाची ने बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है तुम दोनों का। जी पापा। अच्छा बेटा, तुम्हारे लिए मैं कुछ लेके आया हूं। गेस व्हाट? ये चॉकलेट। अच्छा, ये चॉकलेट्स मैं क्यों ले आया? क्योंकि चंचल चाची ने मुझे फोन करके बताया था कि आज दिन भर तुमने कोई शैतानी नहीं की। अब तुम कहोगे कि चंचल चाची ने मुझे फोन कैसे किया? क्या था? वो तुम्हारे बारे में बहुत सोचती है, बहुत प्यार करती है तुमसे। अब तुम और अच्छी तरह से अगर बिहेव करोगे तो वो तुमसे और प्यार करेगी। ओके बेटा, ये रही आपकी चॉकलेट, ये आपकी। बेटा सचिन कहाँ है? अच्छा मैं देखता हूँ। सचिन, क्या मैं तुम्हारी चोट के बारे में पापा को बताऊँ? नहीं भैया प्लीज, नहीं नहीं। मुझे नहीं लगा था कि तुम आज मेरे साथ लंच पर आओगी। क्यों? क्योंकि आजकल तुम्हारे मूड का कुछ पता नहीं रहता ना, जैसे कि आज तुम्हारा मूड। क्या हुआ मेरे मूड को? जस्ट रिलैक्स आंचल, जॉब इज अ जॉब। आज छूट गया तो कल कोई और मिल जाएगा, तुम किसी और की ट्यूशन टीचर बन जाना। तुम तो ऐसे अफसोस कर रही हो जैसे किसी डॉक्टर को किसी वेल रेप्यूटेड हॉस्पिटल से रिजाइन देना पड़ गया हो। आंचल, एक छोटी सी ट्यूशन टीचर के नौकरी के लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा तो फिर कितना परेशान होना जरूरी है सुदीप? मेरे लिए कोई छोटी मोटी जॉब नहीं थी, मैं सच में उन बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। आंचल, अगर तुम्हें टीचिंग का इतना ही शौक है तो तुम डॉक्टर जैन के बच्चों को पढ़ा सकती हो, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुमने शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी सुदीप, मैंने कहा कि मैं सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। कोई खास वजह? एनी स्पेशल रीजन? रीजन रीजन उन बच्चों की मासूमियत है। ये भी भला कोई रीजन हुआ? सर ये पनीर टिक्का। पनीर। वेटर। जी सर। ये पनीर टिक्का इतना जला हुआ क्यों है? सर ठीक तो है सर। तुम इसे ठीक कहते हो? जला हुआ पनीर टिक्का तुम कस्टमर लोगों को खिलाते हो? नहीं सर, हा? पहली बार हुआ सर। पहली बार हुआ है? जी सर। हाँ जी सर। क्यों हुआ है?
गलती हुई है, इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों हुआ है? मेरा मैनेजर कहाँ है भाई? छोड़ो ना सुदीप, वो कह रहा है ना वो और ले आएगा। एक मिनट आंचल चुप रहो। मेरा मैनेजर कहाँ है सर? वो मत बुलाइए सर, मेरी नौकरी चली जाएगी। तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी? सॉरी सर, मैं रख दूंगा सर, दूसरा लेके आ रहा हूँ। एहसान कर रहे हो? आपको पैसे नहीं चाहिए और हमको एहसान। इस पनीर के पैसे दे रहा हूँ ना मैं। किसने उस कंप्यूटर प्रिंटर के पैसे दिए हैं जो आप बच्चों के लिए लाए हैं? तो जैसे वेटरों की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। बच्चों को टीचर की जरूरत नहीं है, उन्हें मैं पढ़ा रही हूँ। आप कल से यहाँ आइए। भाई रुको रुको रुको, भैया जरा रुकना, मैं अभी आया। आंचल बेटा, अरे अंकल आप। नमस्ते। नमस्ते, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। अब कम से कम तुमसे माफी तो मांग लूंगा। माफी? किस बात की माफी अंकल? घर में चंचल ने तुमसे जो कहा और जिस तरह से कहा, इसके लिए। जो कुछ भी हुआ उसे जाने दीजिए अंकल। ये तुम कह सकती हो बेटा, बड़े दिल वाली हो ना, लेकिन मुझे पता है बच्चों के लिए तुमसे अच्छा टीचर और कोई हो ही नहीं सकता। पर क्या करूं मैं, चंचल को समझाना बहुत मुश्किल है। नहीं अंकल, उन्हें कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं कि बच्चों पर उनका मुझसे ज्यादा हक है। वैसे बच्चे कैसे हैं? अब क्या कहूं तुमसे, तुम्हें वापस आने के लिए भी तो नहीं कह सकता। अंकल अगर बच्चे ठीक हैं तो मुझे उन्हें ना पढ़ाने का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।